गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट पीरियड वी विल डन द प्रैक्टिस सेट नंबर 10। हमने देखा उसमें हमने क्या देखा, कुछ नहीं देखा। व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, ये देखा। ओके, सो टुडे वी विल सी अबाउट द प्राइम फैक्टर। अभी आज हमें क्या देखना है, अबाउट द प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर क्या है ये हमें देखना है। ओके, प्राइम फैक्टर मीन्स ये एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। कोई भी, जैसे कि हम कोई भी नंबर है उसको फैक्टर्स करना, मतलब उसको फैक्टर करना मीन्स क्या होता है, फैक्टर करना मीन्स डिवाइड करना, है ना। तो उसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, किस तरह डिवाइड करना है ये हमें देखना है। ओके, तो इसकी दो मेथड्स हैं, एक वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टली है। तो हम दोनों भी देखने वाले हैं, आप लोगों को जो ईजी लगे वो करना, लेकिन उससे अच्छा, सबसे अच्छा तो वर्टिकली ही होता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम पहली वाली मेथड देखने वाले हैं, फर्स्ट मेथड। उसमें हमने एक प्रॉब्लम दिया, जैसे कि 24, हमें प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट जो निकालना है, किसका निकालना है, 24 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप इस नंबर पे, यहाँ पे आप 2 लिखोगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, थोड़ा सा दूर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 है, लास्ट में यूनिट प्लेस में देखना क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है। तो 4 कौन से टेबल में आता है ये हम देखेंगे, है ना, कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। सो स्टार्ट फ्रॉम 2, हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। कैसे, 2 वन जा 2, मतलब 1 जो आंसर आता है वो है इसके नीचे लिखना है। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, आई थिंक सो ये मेथड आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी होगी। फिर यहाँ पे 2 कौन से टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, आता है ना, यूनिट प्लेस हमेशा ऑब्जर्व करना। 2 वन जा 2, सॉरी 2 वन जा 2 तो करेंगे लेकिन 1 नहीं आएगा, लेकिन 12 आता है ना, कौन से कब आता है, 2 6 जा 12, 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के आता है। 2 3 जा 6, अभी 2 के टेबल में 3 आता क्या, नहीं ये नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, इट मीन्स 3 वन जा 3। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक हमें ये करते रहना है। ये होने के बाद अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना, अगर किसने बोला कि इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 24 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, तो ये जो आंसर आए हैं हमारे यहाँ पे वो हमें लिखना पड़ेगा, क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, आ गया आंसर। ऐसा अभी हम देख सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारी पहली मेथड। सभी को समझ में आई क्या किया हमने, पहले यूनिट नंबर देखा, उसमें हमें पता चला कि 4 कैसे आता है, 4 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 वन ज़ा 2, फिर 12 भी 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 6 ज़ा 12, 6 यहाँ पे लिखा, फिर 6 भी 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 6 ज़ा 3, सॉरी 2 3 ज़ा 6, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, 3 नहीं आता इसलिए कौन से टेबल में आता है, 3 के आता है, 3 वन ज़ा 3, अंडरस्टैंड। और ये लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ द प्राइम फैक्टर, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट मेथड जो है हमारी, जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड मेथड हॉरिजॉन्टली वाली, 24 लिखेंगे। ओके, अभी ये 4 है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, और 2 हमने रफ में अगर आपने देखा तो 2 से अगर डिवाइड किया, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ऐसे ही करते हैं ना हम छोटे बच्चे जैसे, है ना, हम तो आंसर क्या है, 12 आया। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन ना देते हुए 2 इंटू 12 लिखेंगे, मतलब 12 टू जा, ओके, 2 को अगर हमने 2 से, 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 24 आता है। ओके, ये 2 एज इट इज जैसे कि वैसे लिखेंगे। अभी 12 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12 मीन्स 2 6 जा 12 ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट 2 एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज, ये भी अभी एज इट इज लिखेंगे। 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के ही आता है, देयर फोर 2 इंटू 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये सारे नंबर एज इट इज लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कौन से टेबल में आता है, 3 वन जा 3, हो गया हमारा आंसर। ओके, यही हो गया हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिनिश, अंडरस्टैंड। सभी को समझ में आया, लेकिन इस मेथड से अच्छी है जो हमारी ऊपर वाली मेथड है ना, ये बहुत ही अच्छी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, अभी हमें देखना है प्रैक्टिस सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। ओके,
सो राइट डाउन योर हेडिंग प्रैक्टिस सेट 11। एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है हमारा। आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, मैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम लिख बताती हूँ आप लोग को। 32, तो हम लोग पहली बार यहाँ पे क्या बोला है, फैक्टराइज, वेयर इट इज, हियर, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम्स। ये जो नंबर्स दे उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, ओके, प्राइम्स फैक्टर निकालने। तो लेट्स सी, वही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे 32, यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस में 2 है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से होता है कि देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 करेंगे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद आया तो आप क्या करोगे, कॉपी के साइड में एक लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो। कैसे करना रफ वर्क, 2 डिवाइडेड बाय 32, 2 वन्स आ 2, 1 कैरी 2 आया नीचे, 2 सिक्स आ 12, ओके, सो इट मीन्स 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या आया यहाँ पे, 2 वन 16, क्या आया आंसर हमारा, 16 आया। डिवाइड करके देखो, रफ में करो, साइड बाय साइड करो, कैसे भी करो, लेकिन करके देखो। देन नेक्स्ट 6 आया यहाँ पे, 6 भी 2 के टेबल में, 16 आता है 2 के टेबल में, कब आता, 2 एट जा 16, इट मीन्स यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 भी आता है 2 के टेबल में, सो 2 फोर जा 8, 4 भी आता है, 2 टू जा 4, और 2 भी आता है, 2 वन जा 2, है ना, हो गया हमारे कंप्लीशन, हो गया यहाँ पे। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे आप लोग, 32 इज इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर आए, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। गलती में से बहुत बार 2 मत लिख लेना, यहाँ के 2 जो है अच्छे से काउंट करना, 1 2 3 4 5 टाइम है, ओके। तो हम हमारा बराबर है कि नहीं ये देख सकते कैसे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32। अंडरस्टैंड, समझ में आया। इसी तरह आपको करने हैं सभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से नंबर 11 से। तो आप कितने करोगे इसमें से, 5 करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने आपको टिक करके दिया हुआ है। फिफ्थ पांचवी जो है आपको इसी मेथड से, मतलब पहली बारी जो मेथड मैंने बताई, इसी मेथड से आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड, यस, वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू योर होमवर्क रेगुलरली, थैंक यू।